गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना। बस सरोजनी और सुबह का दिन है और आज मतलब सुबह बारिश हो रही, मतलब रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश और मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा सर्दी, मतलब अभी क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, उस वजह से थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इसलिए एक्चुअली मैं दो दिन का वीडियो एक साथ ये करके दे रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट डे का वीडियो भी मेरे पास पेंडिंग था, तो मैंने दोनों वीडियो को मिला के आप लोग के लिए दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जो प्यार दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अपना फैमिली है फ्रेंड्स से आप लोग उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ बाहर किस तरह से बारिश हो रही है, तो थोड़ा देखिए फ्रेंड्स। तो ये कल का वीडियो था और मैं सुबह मार्केटिंग के लिए जा रही थी, मतलब सब्जी के लिए जा रही थी, तो देखिए बाहर का मैं थोड़ा सा मैं क्लिक बनाऊँगी। और बारिश अगर मतलब बारिश थोड़ा सा हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई जल्दी से, मतलब जो भी सब्जी मिला मैं लेके आ गई, तो थोड़ा सा ही वीडियो आप लोग नहीं बना पाई। तो फिलहाल तो मैं लिख रही हूँ और मैं वही बता रही थी कि मैं बालों में चंपी की हूँ, और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है, मतलब पूरा मौसम पूरा क्लाउडी किया था और थोड़ी देर के बाद ना हल्का हल्का सा बारिश स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से मोबाइल निकाल के और वीडियो बनाने नहीं बना, तो मैं सोची थी कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊँ। ये हम लोग का नीचे पार्किंग एरिया है, तो वही अभी मैं जा रही थी तो हल्का सा मतलब थोड़ा सा वीडियो बना दी। तो देखिए फ्रेंड्स, और आगे मैं क्या क्या सब्जी लेके आती हूँ, तो मतलब हम लोग का सोसाइटी के बाहर जो सब्जी वाला वहाँ पे था नहीं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा ऑटो लेके थोड़ा आगे जा रही थी वहाँ पे सब्जी लाने के लिए, तो जब मैं ऑटो में थी तो थोड़ा सा वीडियो बना दी। तो इस तरह से और जहाँ जब मैं मार्केट पहुँचे तो वहाँ पे बारिश थोड़ा ज़्यादा ही स्टार्ट हो गया, तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं वापस घर आने के बाद ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, और जमशेदपुर का हल्का सा थोड़ा सा व्यू मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ऑटो में यही अच्छा लगता है ना, खुला खुला है ना, सब चीज़ देख सकते हो, मज़े ले सकते हो, तो अच्छा लगता है। तो बस ऑटो का एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग को भी थोड़ा सा वीडियो दिखा रही हूँ। तो मैं वापस आ चुकी थी, आई होप कि मेरा आवाज़ आप लोग को क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं माइक लगाई नहीं हूँ इसलिए मुझे ना मतलब वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोग को वही बता रही थी कि मैं मार्केट से घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद वही मैं वीडियो मार्केट का जो सब्जी मंडी का वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं वही बता रही थी। तो आज मैं एक्चुअली मैं बना रही हूँ बनाना का फूल, जो कि मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, थोड़ा सा उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही मैं आप लोग को यहाँ दिखा रही थी। तो आप लोग में से बहुत लोग तो इसे बनाते भी होंगे, और जो लोग अगर नहीं जानते हैं बनाने, तो आज मैं आप लोग को इसका पूरा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को देखने के बाद आप लोग खुद भी घर पे बना सकते हैं, इजी है बट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लोग के घर में अगर और भी मेम्बर हैं, तो दो जन भी अगर हैं, तो जल्दी आप लोग इसे साफ भी कर सकते हैं। बनाना का फूल को जितना बनाने के लिए दिक्कत होता है, खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो मार्केट में जब ये मिल रहा था, मुझे दिख गया, तो मैं ये लेके आ गई। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए, और मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और मैं किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मेरा किचन मैश ही दिख रहा होगा, तो इस तरह से आप लोग इसे बनाना को निकालिएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला थोड़ा सा ब्लैक हो गया था, तो इसे मैं निकाल दी। अभी दूसरा वाला देखिए, इस तरह से आप लोग निकालते जाइएगा, तो बनाना का फूल इस तरह से आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग पहले इसे किस तरह से साफ करना पड़ता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया, यहाँ पे साफ़ करने के बाद ही मैं इस तरह से आप लोग इसे कटिंग कर लीजिएगा। और हाँ, बनाना का फूल को एक एक करके ही कैसे निकालते हैं मैं आगे आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। और आप लोग जब भी इसे बनाते हैं, कटोरा में थोड़ा पानी रख लीजिएगा, और कटिंग करके आप लोग वहाँ पर डालते जाइएगा, नहीं तो ना काला पड़ जाता है, ठीक है। तो पहले एक बर्तन में पानी ले रख लीजिएगा, इसके बाद इसे कटिंग करके उस पानी में इसे रखते जाइएगा। तो आगे मैं दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से मतलब हम लोग साफ़ करेंगे। तो बाकी का जितना था सबको इस तरह से आप लोग निकालते जाइएगा, और इसे इस तरह से एक एक करके इसे साफ करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये एक तरह से इसे ऐसा आप लोग फूल ले लीजिएगा, और यहाँ पे एक तो हार्ड वाला रहता है,
आप पकड़ने से देखिए हार्ड लगेगा, इसे निकाल लीजिएगा। और एक इसका पत्ता जैसे रहेगा ये भी हार्ड रहता है, ये दोनों चीज़ को ही निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों को दूसरा दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग हाथ से पकड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल हार्ड लगेगा, ठीक है। इसे और ये जो उसका साइड में पत्ता जैसे दिखेगा ये भी बहुत हार्ड रहता है, ये दोनों चीज़ को आप लोग को निकालना पड़ता है। और इस तरह से एक एक करके ही सारा फूल को इस तरह से साफ़ करना पड़ता है, तो वही थोड़ा सा टाइम लगता है साफ़ करने में। वही मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग के घर में और भी मेम्बर है तो आप लोग मिल के बना सकते हैं जल्दी। तो यहाँ पर देखिए पानी में मैं भिगो के रख दी हूँ। इसके बाद एक बर्तन लेंगे, बर्तन में पानी यहाँ पे बैठा दिए हैं। इसके बाद ना आप लोग जो भी हम लोग बनाना का फूल को कट करके रखे थे इसे हम लोग यहाँ पे दे देंगे, मतलब इसे हम उबालेंगे यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए आप लोग उबाल लीजिए, ताकि इसका जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा इसका टेस्ट थोड़ा कासा टाइप का लगता है तो वो निकल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं, और या फिर आप लोग हल्दी थोड़ा सा यहाँ पे दे दीजिएगा, हल्का सा नमक दे दीजिएगा। देने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए आप लोग मीडियम फ्लेम में इसे उबाल लीजिए। जैसे इसे उबाल लेंगे, उबाल लेने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा 4 से 5 मिनट हो चुकी थी, और ये बहुत अच्छे से मतलब जो केला का फूल है अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जीरा ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं हरी मिर्च, यहाँ पे मैं 2 सॉरी 3 हरी मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर दी। यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज को मैं एक ही साथ ही पेस्ट कर ली हूँ, और उसके बाद इसे आप लोग ऐड कर दीजिएगा। इसे ऐड करने के बाद मसाला को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसे हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी इसके बाद हम लोग यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं जिस तरह से बना रही हूँ आप लोग उस तरह से बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो यहाँ पे इस वक्त मैं मसाला ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली का पाउडर, ये चाहे तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा चिकन मसाला का पाउडर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर मसाला का पानी ऐड कर देना है, इसके बाद थोड़ा सा मसाला को भून लीजिए। भून लेने के बाद हम लोग इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और आप लोग इसी प्रोसेस में आप लोग घर पे बना के खुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इस वक्त हम यहाँ पे 2 छोटा छोटा मीडियम का आलू मैं कट करके रखी थी, तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आलू मिलाने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू मिला लेने के बाद थोड़ा सा आलू जैसे ही हम लोग का पक मतलब थोड़ा सा कुक हो जाएगा आलू, उसके बाद हम लोग केला का फूल को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा अच्छे से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कुक हो चुका है, तो अभी मैं केला का फूल को जो हम लोग बॉयल करके रखे थे पानी अलग कर देंगे, उसके बाद इसे आप लोग ऐड कर दीजिएगा। इसे ऐड करने के बाद इसे हम लोग अभी ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम में रख के भूनेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो आई होप कि आप लोग भी इस तरह से इसे बना लीजिएगा, 3-4 मिनट के बाद ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर नहीं बनाए हैं कभी तो आप लोग बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी मार्केट में अवेलेबल भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका था, 3-4 मिनट में ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सबसे प्यार बांटिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।